नमस्कार, स्वागत है आपका RIMC मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज में। आज है डे 23 और आज भी हम लोग टाइम एंड वर्क का ही एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बेसिकली हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि सारी कैलकुलेशंस हम लोग यूनिट टाइम वर्क के साथ करते हैं। तो लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे रेशियो भी एक कैलकुलेशन है और कैसे हमने रेशियो में भी यूनिट टाइम वर्क का ही यूज़ किया। उसी तरीके से आज मैं बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन अगर आप फॉर्म करते हो किसी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, तो वो इक्वेशन भी एक कैलकुलेशन है और उस इक्वेशन में भी हम लोग यूनिट टाइम वर्क की ही वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस RIMC में काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, यू विल फाइंड कि ऐसे क्वेश्चंस आए। देखिए इसमें आपको दिया क्या है, इसमें आपको दिया है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए का तो दिया है 45 डेज, ओके, और तो वन डे वर्क हो जाएगा 1/45। बी का कितना दिया है 40 डेज। एग्जाम में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करिएगा, लैंग्वेज थोड़ी सी लिखिएगा। 10 नंबर का सवाल आएगा तो ऐसे मत करना है, तो सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है तो कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो हमें ए और बी के बारे में इन्फॉर्मेशन मालूम है, लेकिन अब देखो, अब इस लैंग्वेज को कैसे डिकोड करूँगा मैं और कैसे एक इक्वेशन फॉर्म करूँगा आपके सामने, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की कॉन्सेप्ट की क्लास पूरी इस पर ही डिपेंडेंट है। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है दे बिगेन द वर्क टुगेदर, मतलब ए और बी ने मिलकर काम किया, तो मैं ए प्लस बी लिख लेता हूँ। ठीक है, बट ए लिव्स आफ्टर सम डेज, उसके बाद क्या करा ना, देखिए इन्होंने कुछ दिन तो मिलकर काम किया होगा। सपोज मैं मानता हूँ कि इन्होंने एक्स डेज काम किया होगा, ठीक है, दे वर्कड फॉर एक्स डेज, और उसके बाद फिर ए ने छोड़ दिया, तो कौन बचा फिर प्लस। देखिए ये क्या आया आपके पास, देखिए अगर आप ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो ए और बी का वन डे वर्क आ जाएगा। 1/45 प्लस 1/40 करेंगे तो यू विल गेट ए और बी का वन डे वर्क, और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डेज का वर्क आ जाएगा। तो ये वर्क है, ये कुछ वर्क आया है, कितने दिन का, ए और बी ने जो मिलकर एक्स डेज काम किया है। उसके बाद फिर ए लीव्स, तो कौन बचा, सिर्फ बी बचा, और बी ने कितने दिन काम किया, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, सो बी इंटू 23। ओके, क्या आया, ये भी वर्क, कौन सा वर्क आया, जो बी कर रहा है 23 डेज, जो काम बच गया है रिमेनिंग वर्क, बी का आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, उसका यूनिट टाइम वर्क पुट करोगे, उसका उसका वन डे का वर्क, वन डे का वर्क बी यहाँ पर आ जाएगा। तो 23 डेज का वर्क क्या होगा इंटू 23, तो ये बी का 23 डेज का वर्क आ गया, ये ए और बी का कुछ एक्स डेज का वर्क आया होगा, और तब जाकर काम पूरा हुआ होगा इज इक्वल टू वन। वन क्या सिग्निफाई करता है, कंप्लीट वर्क। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी एक कैलकुलेशन है, तो सारी कौन सी वैल्यूज रखेंगे, 1/45 प्लस 1/40 इंटू एक्स प्लस बी इज 1/40 इंटू 23 इज इक्वल टू वन। ठीक है, सबका एलसीएम ले लीजिए, 45, 40 और 40, तो द एलसीएम गोइंग टू कम 360। ठीक है, तो 45 एट फाइव ज़ा, अच्छा 45 एट टाइम्स, एट प्लस 49 टाइम्स, 8 प्लस 9 होल इंटू एक्स प्लस 40 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 23 इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 17x प्लस, ये आ जाएगा 207 इज इक्वल टू 360, और 17x की वैल्यू आ जाएगी 153 और x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, x की वैल्यू 9, तो ये 9 क्या आया है, 9 आया है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, कितने दिन बाद ए ने छोड़ा था, ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज, ए लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज। ठीक है, फिर सिर्फ बी बचा था, इसका मतलब एक्स आया 9 डेज, देयरफॉर हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 9 डेज। ओके, तो आंसर आना पर्पस नहीं था हमारा, हमारा पर्पस था इस इक्वेशन को समझना। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जो भी कैलकुलेशंस होंगी हम लोग यूनिट टाइम वर्क के साथ ही करेंगे, वो हम समझ चुके हैं, लेकिन कैसे हमने इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके इस इक्वेशन को हम लाएं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज की कॉन्सेप्ट क्लास में। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लैंग्वेज बेस्ड और कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ओके, तो आई होप कि आज की कॉन्सेप्ट क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और खूब मेहनत करें, RIMC का एग्ज़ाम पास है। और किस तरीके के वीडियोस आप चाहते हो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।